कोरोना से पूरी दुनिया बेहाल है। दिहाड़ी मजदूर अपने घर जाने के लिए पैदल ही चल दिए हैं। उसी कड़ी में बात करें तो आज ऐसा मंजर देखने को मिला जिसे देखकर हर किसी का दिल कांप गया। हम बात कर रहे हैं एक बहादुर भारतीय नारी लक्ष्मी की, जो अपने दिव्यांग पति और 20 दिन के अपने बच्चे को इस प्रचंड गर्मी में सड़क पर ट्राईसाइकिल पर महाराष्ट्र के भुसावल से अपने घर उत्तर प्रदेश के फैजाबाद अयोध्या के लिए निकली है। उसके साथ महिला बच्चों सहित लगभग 40 लोगों का जत्था अभी सीहोर होटल क्रिसेंट चौराहा पहुंचा है, जब यह जत्था सरकार और जनप्रतिनिधि से गुहार लगा रहा है। जब प्रशासन कोटा से छात्रों को लाने के लिए बस की व्यवस्था कर सकता है तो इस दिहाड़ी जत्था के लिए क्यों नहीं। इस दिहाड़ी जत्था में दो दिव्यांग हैं, एक पैरों से तो दूसरा आंखों से। कहां से आप रहे हैं? आप कहां से आ रहे? भुसावल से आ रहे हैं। भुसावल महाराष्ट्र? हाँ, महाराष्ट्र से आ रहे हैं। कहां जाएंगे? हम लोग फैजाबाद जाएंगे, यूपी। ये भैया आपके पति है क्या? हाँ, मेरा पति है। और ये गोद में बच्चा है? ये गोद में बच्चा 20 दिन का होता है। उन लोग को गांव में भिजा के बहुत चल चल कर थक गए। ये बच्चा आप ही का है 20 दिन का? हाँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है अपना? हमारा नाम जगलाल है। कहाँ से आ रहे? हमारे सिंधवा से। कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे अयोध्या जिला फैजाबाद। कितने लोग हैं आप? हम 40 आदमी है, बच्चे मिला के। अच्छा, इसमें कोई विकलांग भी है? हाँ, एक विकलांग है और एक अंधा है। तो पैदल ही आ रहे सब? पैदल आ रहे सर हम लोग। मजबूरी क्या करें, हम लोग मेहनत मजदूरी करते थे। क्या शासन से क्या कहना चाहते हो? शासन से कहने के हमारा निवेदन है कि हम लोग को घर छोड़ा जाए। हम लोग घर छोड़ा जाए, हम लोग को दिक्कत बहुत है आने जाने में। छोटे छोटे बच्चे लेके रास्ते से धूप में जल रहे हैं। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग पास पैसे, गरीब आदमी, मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी हैं। सीहोर से यूडी न्यूज के लिए राय सिंह मालवीय की रिपोर्ट।